खुरई में क्या आपका पहली बार विजिट है कि इसके पहले भी आपने कभी विजिट किया था? नहीं, मेरा खुरई में फर्स्ट टाइम विजिट है। मेरा नाम नवजोत संधू है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। बेसिकली हमारी एक इंटरनेट कंपनी है माई इंटरनेट के नाम से। मैं पिछले एक साल से इंडिया के अलग अलग जगह पे जा रहा था। कर्नाटका, बेंगलोर भी गया, मध्य प्रदेश में भोपाल आया, इंदौर गया, यूपी में घूमा, पंजाब में और काफ़ी जगह गया। तो मुझे जैसे ही प्रधानमंत्री ने यहाँ 50,000 करोड़ के निवेश किया है और एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो तब मुझे खुरई का पता लगा। तो जैसे मैं सोचा था खुरई में क्या किया जाए, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो मुझे ये इन्वेस्ट समिट पता लगी। तो मैंने फिर ये मौका नहीं गवाया और मैंने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया और मंत्री जी ने, भूपेंद्रिया जी ने काफ़ी सपोर्ट दिखाई है मुझे और मुझे आश्वासन दिया कि 20 दिन में मेरा काम हो जाएगा और लैंड मुझे अलॉट कर दी जाएगी। तो मैं 10 नवंबर तक प्लान कर रहा हूँ कि भूमि पूजन करके यहाँ पे डाटा सेंटर शुरू करूँगा। मेरे एक और चीज़ बताइए कि जब आप यहाँ आने वाले थे तो आपका इन्वेस्टमेंट को लेके खुरई में जो परसेप्शन था वो चीज़ यहाँ पे समिट अटेंड करने के बाद, यहाँ की डॉक्यूमेंट्री जो आपने डॉक्यूमेंट्री देखी थी खुरई के बारे में जानने के बाद, यहाँ के मंत्री जी ने जो आपको, भूपेंद्रिया ने जो करवाया है समिट वगैरह, उसके बाद आपका परसेप्शन क्या चेंज हुआ इन्वेस्टमेंट? मैं आया था, मैंने कहा चलो खुरई है, सागर के नज़दीक है, सागर एयरपोर्ट भी है, तो जो हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उनका आना जाना भी इजी रहेगा। तो मेरा सिर्फ सागर तक ही मोटिव था कि चलो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सागर में लैंड अलाउट की जाए। जब मैं यहाँ आके देखा कि खुरई का तो नक्शा ही बदल दिया है, इतनी ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, इंफ्रा इतना अच्छा डेवलप हो चुका है, तो मेरा भी माइंड चेंज हो गया। मैंने कहा आप यहीं लैंड दे दो, मैं यहीं काम करूँगा। बस ये कंडीशन है कि नेशनल हाईवे के नज़दीक हो ताकि लोगों को आना जाना बड़ा ईजी रहे, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स बेंगलोर से भी आएंगे, फॉरेन से भी आएंगे, तो उनका आने जाने का हमें ज़्यादा ध्यान रखना है जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। तो भूपेंद्र जी ने मान लिया, कलेक्टर साहब को ऑर्डर लगा दिए हैं और कलेक्टर साहब ने मुझे भरोसा दिया है कि नेक्स्ट वीक ही काम शुरू हो जाएगा और विद इन फ्यू डेज ख़त्म हो जाएगा। अगर कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, दे विल मैनेज। ओके, बीना में जो पेट्रोल रिफाइनरी का जो अभी हाल ही में ही प्रधानमंत्री जी ने जिसका इनॉग्रेशन किया, क्या उसको लेकर थोड़ा इस तरीके से अगर सोचे कि खुरई में क्या इससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और क्या ग्रोथ होने वाला है, खुरई का फ्यूचर आप कैसा देख रहे हैं? बेसिकली जब 50,000 करोड़ की कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, वो भी प्रधानमंत्री खुद इनॉग्रेशन करें, तो वो 50,000 में 5 लाख करोड़ ही होता है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो मिलना ही मिलना है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलेगा ही। अगर वहाँ पे बिल्डिंग बननी है तो भी यहाँ के लोकल लोग जाएंगे, काफ़ी काम लोकल वेंडर करते हैं। मान लीजिए एक अच्छी बड़ी कंपनी को भी कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, फॉर एग्जाम्पल LNT को दे रही है, वो भी लोकल कॉन्ट्रैक्टर ही हायर करेंगे, तो पैसा तो आएगा ही आएगा लोगों के पास। स्टेट का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। यही चीज़ें अगर मैं भी अपना आज 1200 करोड़ की बात करता हूँ, मैं लगाऊंगा, तो उसमें ऑब्वियसली लोकल जो यहाँ कॉन्ट्रैक्टर हैं, लोकल वेंडर्स हैं, सभी का बेनिफिट होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेमेंट यहाँ आएगी आएगी। और एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ, मतलब अगर मैं 3,000 एम्प्लॉयमेंट्स दूंगा तो मुझे उम्मीद है कि 1,000 से 1,200 सागर या बीना अगल बगल के एरिया के लोकल होंगे। तो मतलब बेसिकली आप बहुत खुश हैं ये इन्वेस्टमेंट करके और समिट अटेंड करके? बिल्कुल, मैं तो खुश हूँ, क्योंकि मुझे तो मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करनी थी, क्योंकि ये इंडिया के सेंटर में लोकेशन, इस वजह से मैं खुश हूँ कि मेरा काम हो रहा है। थैंक यू सो मच सर।